साले, इससे कहो चले जाए यहाँ से वरना आज इसकी जान ले लेंगे हम। प्लीज छोड़ो। नहीं। रुको इसको। जो हमने कहा था ना तुमसे, हमने खुद देखा था। गुड़िया की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट था। भैया का कोई दोष नहीं उसमें। प्लीज छोड़ो। तुम्हें ना अपने भैया का साइड मत लो समझी। हम जानते हैं ना इसे। तो तुम्हें बुलाया इसलिए होगा ताकि तुम इसका साइड दे सको। नहीं, हम खुद गए थे वहां। भैया ने हमें नहीं बुलाया था। तुम्हें पता है, हमें गुड़िया ने फोन किया था। कह रही थी कि सब कुछ गलत हुआ है उसके साथ। ये आदमी इतना बड़ा धोखेबाज है ना, पता नहीं क्या गलत किया होगा इसने। हमें समझ में नहीं आ रहा। इसे तो हमें ना जान से मार डालेंगे। इसने मारा है हमारी गुड़िया को। बहुत बड़ी गलती हो गई। इसने जान दी हमारी बिटिया की। इस आदमी ने क्यों ये लोग हमारे परिवार के सुख चैन के पीछे पड़े? आखिर चाहते क्या है ये लोग? जानती हो ना, हम सब रेवा को गुड़िया कहते थे। हा? उसी गुड़िया की शादी तुम्हारी भाई के साथ कराना चाहते थे। सगाई भी की थी हमने। उसी भाई ने हमारी गुड़िया की जान ली। मामी जान की सब जानती है और चुप रहना भी जानती है, लेकिन आज चुप नहीं रहेगी। तुम्हारे भाई ने लिए जान हमारी गुड़िया की, और हमें कब पता चलता है? उसके अंतिम संस्कार के पहले, वो भी किस वजह से? क्योंकि तुम्हारे भाई ने नौटंकी की, उसके मांग में सिंदूर भरने की। तुम्हारे परिवार वालों को टीवी के सामने आने का बड़ा शौक है ना, इसी वजह से तो ये सारी कोशिश की ना उसने, एक लाश पे सिंदूर भरने की। चाहता क्या है वो? हीरो बनना चाहता है? हम बहुत सीधे साधे लोग हैं चांदनी, ऐसा नाटक करना हमें नहीं आता। लेकिन तुम लोगों ने तो हमारी गुड़िया की लाश को भी भुनाने चले थे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को?